नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। के पाठक और बीपीएससी के बीच छिड़े विवादों में एक नया मामला सामने आ रहा है, जहां बीपीएससी के सचिव ने मुख्य शिक्षा निदेशक को चिट्ठी लिखकर हिदायत दे डाली है कि आगे से किसी भी तरीके की चिट्ठी जो है वो ना लिखें। दरअसल शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगानी थी। ऐसे में के पाठक ने साफ कहा कि शिक्षकों का कार्य सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का है, उनसे किसी भी इस तरीके के दूसरे गैर जो है शिक्षा के कार्य ना करवाए जाएं। और इसमें नीतीश कुमार ने भी समर्थन किया था के पाठक का। और ऐसे में अब जो है बीपीएससी के सचिव ने मुख्य शिक्षा निदेशक को चिट्ठी लिख करके हिदायत दे डाली है कि किसी भी तरीके से आप हस्तक्षेप कार्यों में ना करें। क्या है पूरा मामला समझिए। दरअसल बिहार में जब से शिक्षा विभाग की कमान के पाठक संभाले हैं, तब से आए दिन वह किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने ही रहते हैं। कभी वह राजनेताओं के नजरों पर रहते हैं तो कभी अपने सहकर्मियों के नजरों में खटकते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ सामने आया है। इन दिनों शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर ठन गई है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग के शिक्षक के सचिव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को सख्त पत्र लिखकर भविष्य में चिट्ठी न लिखने की हिदायत दे डाली है। इससे पहले शिक्षकों को प्रमाण पत्र सत्यापन के कार्य में लगाने पर के पाठक ने आपत्ति जताते हुए सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। इसके बाद अब इस मामले में बीपीएससी की ओर से पत्र लिखकर पलटवार किया गया है। हालांकि इससे पहले लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने भी सोशल मीडिया पर बिना के पाठक का नाम लिए उन पर निशाना साधा था। इसके बाद अब आयोग के सचिव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर भविष्य में किसी भी तरह के चिट्ठी न लिखने की हिदायत दे डाली है। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव शशिभूषण ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को एक पत्र लिखा है। इस लेटर के माध्यम से उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को हिदायत दी है कि अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन आयोग की आंतरिक प्रक्रिया है, इससे बाहर से हस्तक्षेप न किया जाए। आयोग शिक्षा विभाग और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है। अगर यह स्पष्ट नहीं है तो संविधान के प्रावधानों का अध्ययन कर लिया जाए। रवि भूषण ने शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दो टूक हिदायत दी है कि भविष्य में इस तरह के पत्राचार की धृष्टता न की जाए। मालूम हो कि इससे पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बीपीएससी को एक आधिकारिक पत्र लिखकर दस्तावेज सत्यापन में लगे अफसरों को कार्य मुक्त कर विभाग को वापस करने के लिए कहा था। पत्र में इसकी तमाम वजह भी बताई गई है। इसके बाद अब इस पत्र पर सख्त आपत्ति व्यक्त करते हुए बीपीएससी के सचिव ने यह चिट्ठी माध्यमिक शिक्षा निदेशक को लिखी है। इधर बीपीएससी सचिव रवि भूषण ने दो टूक लिखा है कि पता होना चाहिए कि आयोग की आंतरिक प्रक्रिया और औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना या इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करना और इस प्रकार से आयोग पर दबाव डालने का प्रक्रिया करना असंवैधानिक, अनुचित और अस्वीकार्य है। सचिव ने लिखा है कि आश्चर्य है कि शिक्षा विभाग को इन सब प्रावधानों का पता न होने के बाद भी बिना प्रमाण पत्रों के सत्यापन के ही आयोग से अनुशंसा की अपेक्षा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जो फिलहाल सामने आ रही है वो ये है कि बीपीएससी के सचिव ने मुख्य शिक्षा निदेशक को चिट्ठी लेकर के हिदायत दी है कि असंवैधानिक और अस्वीकार्य कार्य को न करें। जो भी कार्य है बीपीएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, उसमें किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप न की जाए। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।